स्मरण भक्ति के भी तीन प्रकार है। एक आरंभिक अवस्था का स्मरण, गुरु जी ने कहा भगवान की याद करो, भगवान का नाम स्मरण करो, स्वाद नहीं आता है, मन भी नहीं लगता, प्रवृत्ति भी नहीं है, पर गुरु जी ने कह दिया कि तुमको इतना जप तो करना ही है, 5,000, 10,000, 6,000, 12,000 इतना जप करना है, अभी स्वाद बिल्कुल नहीं आता पर स्मरण में लग गया। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे, गाजीपुर बनारस के पास में है, वहाँ कोई महापुरुष रहते थे पहले, महाराज जी भी उनके पास रहे, तो सुनाते थे कि उनके यहाँ नियम था आश्रम में, 50,000 से कम जप करने वाले को प्रसाद पाने का अधिकार नहीं था, एक ही समय भोजन बनता था, बाल भोग नहीं और ब्यारू नहीं, दोपहर में राजभोग, किसी को ज्यादा भूख लगती है दोपहर का बचा हुआ एक आध रोटी शाम को ले लो, साग ले लो या रोटी ले लो, 50,000 जपो तब पंगत में बैठने के अधिकारी हो, वो भी भगवान की सेवा करने के बाद उतना नाम संख्या पूर्वक जपना पड़ेगा, ये नहीं कि हम गैया का गोबर उठा रहे थे, हम पूजा कर रहे थे, हम तो रसोई में थे, नहीं नहीं वो करना पड़ेगा, आगे पीछे कैसे करो, बैठ के करना पड़ेगा। और जो लोग योगाभ्यास सीखने के लिए उनके पास जाते थे, महान योगी थे, तो उनको भी नाम जप तो उनको भी बताते थे, पर उनके लिए भोजन अलग प्रकार का होता था और बाकी केवल नाम जपने वाले संतों को भोजन अलग प्रकार का होता था। संतों को भोजन ऐसा होता था कि बढ़िया सुंदर हाथ फिरा हुआ फुलका, दाल, साग, महाप्रसाद, सब चीज। और जो कहते हमको योगाभ्यास सीखना है, योग साधन करेंगे, उनको कभी केवल छिलका वाली मूँग की दाल पतली, न घी न तेल न ज़्यादा नमक, एक दो लौंग का बघार लगा हुआ, बस ऐसी पतली दाल, कभी एकदम पतली खिचड़ी, कोई मिर्च मसाला भी नहीं, कुछ नहीं। और उनको वो खिचड़ी, वो पतली दाल या दलिया, उनको एक दिन दो दिन नहीं, महीनों खाना पड़ता था। और पंगत एक साथ होती थी, योग साधन करने वालों की वो सामने बैठते थे, इधर वो दूसरे राम राम करने वाले साधु बैठते थे, कई बार भंडारे होते तो भंडारे में वो साधु तो मालपुआ खीर खा रहे हैं, वो सामने बैठे वाले वो पतली खिचड़ी पी रहे हैं, अब पतला दलिया अथवा केवल चोकर वाली दाल खा रहे हैं, खाली उबाल दिया, अथवा साग, पतली साग उनको लौकी की साग दी जा रही है, न हल्दी न नमक न मिर्च कुछ नहीं, उबाल दिया सामने धर दिया। अब 4 महीने 6 महीने में एकाध दिन उसका मन कराया और इस पंगत से उठ के उस पंगत में बैठ गया, फिर कहते तुम अब योग साधन के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं, तुम तो राम राम करो, इसी में तुम्हारा काम बनेगा, इसी से सब हो जाएगा, फिर उसको नहीं बताते। ऐसे महात्मा थे, गाजीपुर वाले परमहंसी महाराज सिद्ध पुरुष थे। तो अब देखो, स्वाद नहीं आता है, मन नहीं लगता, पर आज्ञा है महापुरुषों की, गुरुजनों की, उन्होंने शासन अनुशासन कर दिया है, ये करना ही पड़ेगा, तो अब साधन में लग गया। ये है आरंभिक साधन, आरंभिक स्मरण, आरंभिक अवस्था का स्मरण, और इस स्मरण की भी महिमा है। एक नाम भी धोखे से जो उच्चरित हो रहा है वह भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशिदस हूं, एक नाम भी व्यर्थ जाने वाला नहीं। भजन विरोधी लोग जानते हैं क्या करते हैं, किसी को माला फेरते देख लेंगे तो 10-20 बात उसको बिना उसके प्रार्थना किए बिना ही सुना देंगे 10-20 बात, तो बात भी कर रहे हो, माला भी फेर रहे हो, घूम रहे हो, किसको दिखा रहे हो, ये पाखंड किस लिए, लो। हमारे महाराज जी सुनाते थे
कि एक वृद्ध थे बेचारे, नाम जापक थे, बूढ़े हो गए, तो खटिया पर लेट के अपने जप की संख्या पूरी कर रहे थे, माला जप रहे थे। एक सज्जन, अरे राम 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 राम, आप जैसे साधक खटिया पर, वो भी खटिया पर, वो भी लेट के माला फेर रहे हो, रे राम, बहुत बुरा काम, ये तो बहुत पाप है, बड़ा अपराध है। उन्होंने कहा, भैया क्या बता, मैं बुढ़ापा आ गया, कमर में दर्द होता है, बैठे बैठे ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, लेट के अपना नियम पूरा करना है, लेट के कर लेते हैं, पर आप कैसे करते हैं आप बताइए। तो वह महानुभाव बोले, हम तो करते ही नहीं हैं। क्या बोले? हम तो करते ही नहीं हैं। तो उन महानुभाव ने कहा कि तुम नहीं करते हो, वो हम बुढ़ापे में भी खटिया पर पड़े पड़े कर रहे हैं, उसे देख के तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो तुम नहीं, बिल्कुल नहीं करते हो, उससे हम कुछ करने वाले तो ठीक हैं, ऐसे हतोत्साहित क्यों करते हो? ऐसे बहुत से लोग होते हैं। सीधे ही कबीरदास जी का उदाहरण दे देंगे, क्या माला फेरत जगमुवा गया न मन का फेर, कन का मन का डार दे मन का फेर। तो क्या कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि माला मत जपो? कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि मन मंत्र और मणि का, तुलसी का माला दाना, इन तीनों मकारों को एक करके जपो, माने मन लगाकर जपो, ये कह रहे हैं। माला मत फेरो ये थोड़ी कह रहे हैं, क्योंकि ये कहना यदि कबीरदास जी का भाव होता तो आगे के दोहे में कबीरदास जी यह क्यों कहते? ये पहले वाला दोहा तो सबको याद है, आगे वाला दोहा किसी को याद नहीं, कम लोगों को याद है, इसलिए पहले वाला याद रखो मत रखो, पर दूसरे वाला जरूर याद रखो। तो दूसरा वाला दोहा क्या है? माला मन से लड़ परी, माला ये माला मन से लड़ पड़ी, क्यों बिसरावे मोए माला मन से लड़ पड़ी, क्यों बिसरावे मोए बिना शस्त्र का सूरमा लड़त न देख्या कोई। बॉर्डर पर चले जाएं, युद्ध छिड़ जाए और अपना जो भी हथियार है उसको सिपाही सैनिक अपने कैंप में ही जमा करके जाएं, तो क्या होगा वहां जाके? वहां तो मरेंगे। ऐसे ही माया के कटक से युद्ध करना है, दोषों से, दुर्गुणों से, अविद्या माया से लड़ना है, तो ये हथियार हमेशा हाथ में रहना ही चाहिए, इस हथियार को छोड़ो मत। कोई कहता है तो कहने दो। हमारे महाराज जी के एक प्रेमी थे, महाराज जी के प्रति बहुत पूज्य भाव रखते थे और महाराज जी उनके प्रति मित्र भाव रखते थे, श्री बड़े पुजारी जी, पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी। दास पर भी उनका बहुत स्नेह था, बड़ी कृपा थी। उनके पास मालाएं बहुत अच्छी अच्छी थी, इतनी मालाओं का संग्रह था उनके पास। हम समझते हैं कि 5-7 हजारा माला होंगी उनके पास, और सबके दाने ऐसे चमकते थे, क्या कहना, बहुत बढ़िया चमकते थे, और सब मालाओं का अलग अलग नाम रख रखा था उन्होंने। और नाम सुनकर आपको आश्चर्य होगा, ला बच्चा हमारा ब्रह्मास्त्र, ला बच्चा हमारा नारायणास्त्र, ला बच्चा हमारा पाशुपतास्त्र, ऐसे बोलते थे। भारी शरीर था और स्वरूप सरकार के बड़े प्रेमी थे, सुदामा कुटी में लीला होती
और स्वरूप सरकार को भोग लगाने जाते थे, मैंने देखा रोने लग जाते थे, गोदी में स्वरूप सरकार को बिठा के जिमाते थे। और एक बार तो मथुरा के एक चौबे जी आए, देखा होगा नाम मैं नहीं जानता, खूब मोटे विशाल काय हैं, राम जी बनते थे पहले, पूज्य श्री गंगादास जी महाराज के शिष्य। तो आए तो पुजारी जी ने उनको दंडवत किया, उन्होंने महाराज पुजारी जी को दंडवत किया, फिर बोले ठाकुर जी भोग लगाओ। मैंने कि ठाकुर जी इतने मोटे थे, इतना जगह घेर ली ठाकुर जी ने। बोले बाबा ऐसे नहीं, गोद में बैठ के भोग लगाऊंगा। ले धन्य ठाकुर जी के नाते पोता हो गए, पर उनके लिए रघुनाथ जी ही, ऐसा भाव। वो कहते थे बड़े पुजारी जी, माला जपते जपते कई बार कहते थे, हम तो दुल्हा राम के दीवाने हैं और उन्हीं के आसरे मस्ताने हैं, ये बीच बीच में बोलते थे। तो ये माला के ऊपर बात आ गई। वो माला कहते थे, दिखाते भी नहीं थे सबको माला, कहते थे बच्चा ये तेल लगा के चमकाई माला नहीं, भजन से चमकाई माला, खूब भजन करते थे। खूब भजन करते थे, कहते थे भरपेट भोजन करो और भरपेट भजन करो। बड़ी सुंदर सुंदर बात बोल रही, कहते थे वो हरि को भजन पेट को धंधो और करे सो मूर्ख अंधो। हरि को भजन और पेट को धंधो, पेट भर लो और करे सो मूर्ख अंधो। तो ये अस्त्र जरूरी है, माला बहुत आवश्यक है, माला बहुत जरूरी है। आज एक प्रेमी ने परम सिद्ध संत श्री गंगादास जी महाराज की जपी हुई माला का दर्शन कराया, मन प्रसन्न हो गया।